हेलो गाइस, वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर जर्नी जर्नी टू स्टॉक मार्केट। तो आज के पार्ट में हम कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। तो उसका नाम है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस और एक्शन। प्राइस मतलब क्या? किसी भी चीज की वैल्यू, उसका मूल्य या फिर उसकी कीमत। और एक्शन मतलब क्या? उसकी गति। एक्शन मतलब क्या? उसकी मूवमेंट, किसी भी डायरेक्शन में उसकी गति। तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइस एक्शन, यानी उसकी कीमत की गति कहां पे बढ़ रही है, कहां पे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो हम सीखेंगे। और प्राइस एक्शन आपको बता दूं तो ये मार्केट की लैंग्वेज है हमसे बात करने की। यानी क्या? किसी भी, हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी, मराठी, हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं हमारी लैंग्वेजेस में, हमारी भाषा में। तो मार्केट की भी एक भाषा है और उस भाषा को कहते हैं हम प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन को हम रीड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं। क्या? किसी भी चीज की गति, सॉरी, कीमत कहां पे जा रही है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि प्राइस आगे भी ऐसे बढ़ते रहेगी या फिर कम हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम? प्राइस एक्शन को रीड करना, यानी कि मार्केट की लैंग्वेज को रीड करना। मार्केट हमेशा हमें क्या करता है? हिंट्स देता है। हमें क्या करता है? हमें हिंट्स देता है, यानी कि हमें क्या करता है? संकेत देता है कि आगे क्या हो सकता है। तो ये सब हमें रीड करना है। तो हम कैसे रीड करेंगे इसको? प्राइस एक्शन की हेल्प से। तो प्राइस एक्शन कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है। मार्केट में ट्रेंड्स चलते हैं। ट्रेंड्स मतलब क्या? रिलायंस का ट्रेंड्स नहीं। मार्केट में ट्रेंड्स मतलब क्या? चलो कोई नया कपड़ा आया, नए लड़कियों में तो बहुत ज्यादा ये चलता है कि यार कोई नए कपड़े की फैशन आ गए तो उसका ही ट्रेंड चलने लग गया। तो क्या होता है कि ट्रेंड मतलब क्या? बहुत ज्यादा लोग एक ही तरह की चीज करने लग जाते हैं। यानी कि अगर कोई लड़कियों में नया फैशन आ गया, लड़कों में कोई नया फैशन आ गया, तो बहुत ज्यादा लड़कियां, बहुत ज्यादा लड़के क्या करते हैं? उस फैशन को अपनाने में लग जाते हैं और उसी तरह से क्या करते हैं? अपना ट्रेंड बना लेते हैं। तो मार्केट में भी ऐसा होता है कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स आते हैं। तीन तरह के ट्रेंड्स मतलब कौन से होते हैं? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला ट्रेंड होता है क्या? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है? किसी भी चीज मतलब किसी भी शेयर की प्राइस क्या होती है? कंटिन्यूअसली बढ़ने लगती है। कंटिन्यूअसली क्या होती है? बढ़ने लगती है किसी भी शेयर की प्राइस। तो कैसे हो सकता है? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था शेयर की प्राइस कब बढ़ती है या फिर किसी भी चीज की प्राइस कब बढ़ती है? जब उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होता है। तो डिमांड बढ़ी यानी क्या हुआ? लोगों में एक ट्रेंड सा आ गया कि चलो अब मार्केट में बाइंग करने लगते हैं। यानी क्या होता है? मार्केट में ट्रेंड आ जाता है कि सब लोग बाइंग करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है? कोई ऑप्टिमिस्टिक न्यूज आती है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या? कोई सकारात्मक न्यूज आती है मार्केट के बारे में। तो उसमें क्या होता है? लोगों को लगता है मार्केट में आगे जाके बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं? स्टार्ट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते तो क्या हो जाता है? लोगों के पास तो पहले से शेयर थे और लोगों को, उन लोगों को भी पता है शेयर, मतलब जो बेचने वाले हैं उनको भी पता है कि मार्केट में आगे प्राइस बढ़ने वाली शेयर्स की। तो वो क्या करते हैं? उसको होल्ड करके रखते हैं। तब क्या हो जाता है? मार्केट में सप्लाई का शॉर्टेज आ जाता है। पर ज्यादा लोग मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, उस स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं, यानी क्या हो जाती है? उस स्टॉक को खरीदी करना चाहते हैं। तो लोग क्या करते हैं? उस स्टॉक की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो सप्लाई भी कम हो गया, डिमांड भी बढ़ गई। तो क्या होता है? शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। और जैसे शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है तो लोगों को, जो दूसरे लोग थे, जो लोग डर रहे थे कि यार करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, तो उनको क्या लगता है? चलो प्राइस तो बढ़ने लग गई है, तो अब भी हम क्या करते हैं? इसको ट्रेंड में हम भी एंटर कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं? जब लोग स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो लोग प्राइस बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे। देन क्या होता है? और ज्यादा लोग आने लगते हैं। तो और ज्यादा लोग आने से क्या बढ़ता है? स्टॉक में सप्लाई तो हमारा लिमिटेड है, उतना ही है जितने शेयर्स मार्केट में, पर लोग ज्यादा उसको खरीदना चाहते हैं। तो सप्लायर्स क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लोगों को ज्यादा प्राइस में बेचने लगेंगे। और ज्यादा प्राइस में जब बेचेंगे तब क्या होगा? प्राइस और ज्यादा बढ़ने लगेगी। क्योंकि हमने देखा था मार्केट में प्राइस कौन सी होती है? जिस प्राइस पे हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, यानी क्या? हमारी एलटीपी। तो क्या होता है? मार्केट में एलटीपी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो और ज्यादा लोग आने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है? उनको लगता है कि और ज्यादा प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है? धीरे धीरे ट्रेंड ही बनने लगता है कि मार्केट में अब चलो बाइंग साइड में ही चलते हैं हम। लोग क्या करते हैं? ज्यादा ज्यादा बाय करने लग जाते हैं। और तब क्या होता है? मार्केट एकदम फटाक से ऊपर उठने लगता है, यानी क्या? उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ने लगती है। तो ये होता है हमारा अप ट्रेंड, और इसके पीछे का हमारा क्या है लॉजिक। तो अप ट्रेंड दिखता है हमें मार्केट में। अगर देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, हम क्या करेंगे? पूरा चार्ट पे फोकस रहेंगे। यानी क्या? मार्केट में प्राइस एक्शन को कैसे रीड करना है, उस हिसाब से हमें कैसे हमारी स्ट्रेटजीज फॉर्म करनी है, ताकि हम क्या कर सके? कम से कम लॉस में ज्यादा ज्यादा अर्न कर सके। तो इसमें देखेंगे हम ग्राफ में क्या देखता है हमें अप ट्रेंड में। तो सिंपल सी बात है, आज चलो ग्राफ यही पे बना लेते हैं हम। तो मार्केट में ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या होता है? प्राइस होती है, लाइक यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, और यहाँ पे क्या होता है? टाइम होता है कि चलो आज एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट में अप ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस ऐसे बढ़ने लगती है, कम ज्यादा होने लगती है। तो मार्केट में क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस बढ़ती है, पर ये स्टेडली बढ़ती है क्या? कि यार चलो बढ़ने लगी तो बढ़ने ही लगी, सिर्फ ऐसा नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, जब भी अप ट्रेंड आता है तो एक हायर हाई और हायर लो की कंसेप्ट है। यानी क्या?
मार्केट पहले यहां था समझो 100 रुपए था, 100 रुपए भी किसी भी शेयर की प्राइस थी, तो यहां से बढ़ते बढ़ते वो क्या हो गया 110 तक चली गई। 110 तक कैसे जाएगी वो प्राइस, 100 से बढ़ के 110 तक कैसे जाएगी, क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, ज्यादा लोग उसमें आ गए थे इंटरेस्टेड बाय करने के लिए, तो क्या हुआ लोगों ने बाय करने करते करते क्या किया, उसकी प्राइस 110 तक बढ़ा दी डिमांड ज्यादा बढ़ाने की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ 110 तक प्राइस बढ़ गई। अब लोगों ने, जिस लोगों ने 100 रुपए में खरीदा था उनकी प्राइस तो 110 तक हो गई, यानी उसको 10% प्रॉफिट हो गया। 10% प्रॉफिट यानी अगर ये बोले हम कि 2 दिन में हो गया, चलो 2 या 3 दिन में हो गया, 10% 2 या 3 दिन में, मतलब अगर FD में रखेंगे आप पैसे तो आपको 10% लेने के लिए आपको नियर अबाउट 2 साल वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो 2 और 3 दिन में ही हो गए। तो लोग क्या करेंगे, जो सेफ इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करेंगे, अपना 10% में ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एक सेल ऑफ आ जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है मार्केट थोड़ा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो थोड़े से बाहर निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके, और प्रॉफिट बुक करके कोई बाहर निकल रहा है यानी कोई और तो खरीद ही रहा है उसको, ऐसा तो नहीं होता कि मैं चलो मैंने बेच दिया तो बेच दिया, तो कोई तो अगली पार्टी होगी जो उसको खरीदेगी, यानी कि क्या वहां पे थोड़ा सा बायर सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है। पर क्या, डिमांड तो वैसे ही रहती है, देन क्या हो जाता है थोड़ी सी प्राइस कम हो गई तो जो लोगों को लगता था, जिन लोगों को क्या लगता था कि यार अपना तो मिस हो गया, अभी तो प्राइस 110 चली गई, उसके ऊपर जाएगी कि नहीं पता नहीं, पर जो लोगों को पता है कि यार चलो अब मार्केट में थोड़ी सी प्राइस नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था वहां पे सेल थोड़ा सा बढ़ गया था, सप्लाई बढ़ गया था, इसकी वजह से प्राइस थोड़ी नीचे आ गई क्योंकि सप्लाई यहाँ पे बढ़ गया। तो यहाँ पे प्राइस कितने पे आ गई, 107 पे। तो लोग क्या करेंगे 107 पे, अभी प्राइस थोड़ी कम है, कम लग रही है, बोलते हैं ना लोग कि अब चलो प्राइस थोड़ी कम हो गई शेयर की, अब चलो ले लेते हैं। लोग बोलते हैं मार्केट में चलो करेक्शन आ गया, चलो अब ले लेते हैं। करेक्शन मतलब क्या, जो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो क्या करते हैं सप्लाई बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, यानी शेयर थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि मार्केट में थोड़ी प्राइस कम होगी, तो यहाँ पे लोग फिर से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं 107 पे। फिर प्राइस ऊपर बढ़ लगती है, 120 तक आ गई। अब यहाँ पे आते आते क्या हो गया, जो लोगों ने 100 पे इन्वेस्ट किया था उनका 20% प्रॉफिट हो गया, यानी कि 4 साल की FD के रेट के बराबर, और जो लोगों ने 110 पे इन्वेस्ट किया था, मतलब 110 पे इन्वेस्ट किया था उनका भी नियर अबाउट समझो कुछ एक 10% के आसपास प्रॉफिट बन चुका है, 9 और 10% के आसपास। 107 वालों का भी 10% के आसपास प्रॉफिट बन चुका है, यानी कि क्या हुआ लोगों का प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया। फिर भी लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अब चलो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया तो लोगों को क्या लगता है अब यार बस हो गया, यही पे हम निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके, कुछ ना कुछ घर पे लेके जाते हैं। सब लोग निकलते हैं क्या, नहीं कुछ ही लोग निकलते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा सप्लाई बढ़ जाता है डिमांड से, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं 120 पे थोड़ा सा बाइंग करना भी अवॉइड कर लेते हैं, थोड़ी हाई प्राइस होगी तो वहां पे लोग बाय करने को घबराते हैं, क्यों? क्योंकि आगे बढ़ेगी या नहीं प्राइस, कम गिर गया तो क्या करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि 120 पे आएगा 110 पे आएगा, ये हम देखेंगे कि इसको कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं एडवांस में कि कहाँ पे सेलिंग आ सकता है, कहाँ पे सेलिंग आ सकता है, हम इसको भी एडवांस में ट्रेस करके रख सकते हैं और वो प्राइस पे जाके हम क्या कर सकते हैं उसको बेच सकते हैं एडवांस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अप ट्रेंड कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया लोगों ने, थोड़ा सा बेचना स्टार्ट कर दिया और शेयर की प्राइस कहाँ तक आ गई समझो 118 तक। तो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया और कुछ लोगों ने नए एंट्री कर ली, और जो लोग करना चाहते थे पहले तो उनको भी एंट्री करने को एक पॉइंट मिल गया कि चलो थोड़ा सा मार्केट गिर गया अब एंट्री कर सकते हैं और ऊपर बढ़ेगा। तो यहां से क्या किया लोगों ने, फिर से एंट्री करके डिमांड बढ़ा दी और उसको मार्केट को 130 तक लेके गए। तो ये 2-3 हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, पूरा अप ट्रेंड में रहा। तो इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड ऐसे फॉर्म होता है ना कि सीधा प्राइस से नहीं, हमने क्या देखा उसके पीछे का लॉजिक देखा, लोगों की साइकोलॉजी देखी कि क्या होता है आखिर अप ट्रेंड में क्या होता है। कम प्राइस में लोग बाय करते हैं, बाय करते जाते हैं, उसको प्राइस थोड़ी सी अप हो जाती है, देन उसमें थोड़ा सा सेल ऑफ आता है, तब लोग निकल जाते हैं, और जो लोगों को ऑनबोर्ड होना था यानी जो लोगों को शेयर में इन्वेस्ट करना था वो क्रम प्राइस देख के क्या करते हैं उसमें शेयर में एंट्री कर लेते हैं। फिर क्या होता है प्राइस में डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ने लगती है, क्यों? क्योंकि प्राइस थोड़ी कम थी तो इसलिए क्या होता है डिमांड बढ़ने लगती है, फिर से प्राइस शूटअप हो जाती है ऊपर, देन फिर से एक पॉइंट ऐसा आता है कि लोगों को लगता है चलो यार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहीं पे, तो लोग क्या करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो प्राइस थोड़ी कम हो जाती है प्रॉफिट बुक करते करते क्योंकि सप्लाई बढ़ जाता है, प्रॉफिट बुक करना तो सेल करना लोगों का, तो वहां पे क्या होता है लोग थोड़े से प्रॉफिट बुक करने में सप्लाई बढ़ा देते हैं और वहां पे प्राइस कम होती है। तो प्राइस कम हुई तो लोग क्या करते हैं, जो नए लोग होते हैं वो उसमें एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये होता है हमारा अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड ऐसे चलता है। तो यहाँ पे पहला हाई बना, यहाँ पे क्या बना, पहला एक हाई बना 100 से लेके 110 तक गया, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया 107 तक, फिर एक 120 तक गया। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या हुआ, एक हायर हाई, यानी कि एक हायर हाई। इसको आपको याद रखो ना रखो, आपको इसके लॉजिक ही बता दिया सीधे सीधे। ये तो बस क्या है, नॉर्मल टर्म्स होती है कि यार हायर हाई दिखा, हायर लो दिखा, तो क्या करते हैं हम अप ट्रेंड बोलते हैं।
ऐसा कुछ रखने की जरूरत नहीं। मेरे कोर्स में सिंपल सी बात है, आपको सब चीजों के पीछे का लॉजिक बताता हूँ, आपको सब चीजों के पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ना कि चार्ट पैटर्न रटवाना है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं यहाँ तक के लॉजिक बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यार खुद का भी आप एक पैटर्न बना सकते हो, खुद की आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ना कि बस मुझसे सीखे गए उसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपको जब तक उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं होगा तो आप बस क्या करोगे, रटते रहोगे और उसको इम्प्लीमेंट करते रहोगे। पर जब आपको लॉजिक पता होगा तब आपको क्या कर सकते हो, उसमें और ज्यादा एडवांस लेवल तक खुद ही जा सकते हो, आपको फिर से ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको खुद एडवांस लेवल तक उसको एक्सेल कर सकते हो। तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपट्रेंड का लॉजिक मैंने कितने इजीली समझा दिया। क्या होता है कि पहले लोग ऑनबोर्ड होते हैं शेयर में, फिर प्राइस बढ़ती है, फिर थोड़े से लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर कम होती है, जो लोग कम प्राइस में फिर से खरीदी करना चाहते हैं वो लोग खरीदी करते हैं, तो फिर डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस अप हो जाती है। ये सिंपल से लॉजिक है। चलो फिर भी देख लेते हैं यार, फॉर्मेलिटी है। तो ये हाई बना 110 का, फिर ये लो बना, लो मतलब क्या, थोड़ी सी लो प्राइस, हाई मतलब क्या, एक हाई प्राइस, फिर एक हायर हाई बना 120 का, हायर हाई मतलब क्या, पिछले हाई से थोड़ा सा ऊपर वाला हाई प्राइस बना, देन एक हायर लो बना, हायर लो मतलब क्या, पिछला जो लो था, पिछला जो लो था उसके ऊपर एक लो पॉइंट बनाए, उसके ऊपर एक लो पॉइंट बनाए। अब ये देखो यार, जो नॉर्मल लोग हैं उनके उनके लिए तो ये थोड़ा सा जंबलिंग पार्ट हो गया होगा, तो आपको अगर ये थोड़ा सा जंबलिंग लग रहा होगा या फिर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, तो इसको हायर हाई हायर लो को छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको इसका रीजन बता चुका हूं पहले, बस आप उसको रीजन को याद रखो, उसके पीछे के लॉजिक को याद रखो। ये तो बस जिसको रखना है हायर हाई हायर लो उसके लिए बता रहा हूं। देन थर्ड बार हायर, फिर से हायर हाई, देन उसके बाद थोड़ी सी गिरेगी प्राइस, हायर लो बनेगा, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेगा। और ऐसा क्या होता है, स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहता है, और ये अप ट्रेंड कहां तक चलता है, जब तक एक ऐसा पॉइंट नहीं आ जाता या फिर ऐसी न्यूज नहीं आ जाती मार्केट में जिससे कोई हमारा क्या बोल सकते हैं उसको निगेटिव न्यूज आ जाती है, या फिर लोगों को लगता है यार अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लिया हमने, अब सब लोग इसमें सेल करना चालू कर देते हैं, या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब बड़े इंस्टीट्यूशन कोई मूव करते हैं लाइक वो मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, मार्केट को नीचे भी लेके जा सकते हैं, जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हमें मतलब एक इंडिकेशन देगा, इंडिकेशन हम कैसे खुद से हम उसको मार्केट से इंटरप्रेट करेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगले जो पूरे लेक्चर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, बिग प्लेयर्स को मतलब बिग प्लेयर्स के रिलेशन में होंगे कि यार वो लोग क्या करते हैं, हम उनके हिसाब से कैसे स्ट्रेटजी हम फॉर्म कर सकते हैं हमारे। तो ये स्ट्रेटजी मतलब क्या, ये ट्रेंड कहां तक चलेगा, जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती या फिर लोगों को लगता है प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए पूरा, और या फिर कैसा हो सकता है कि कोई बड़ा प्लेयर उसको सेलिंग में इंटरेस्टेड हो गया कि आप चलो यहाँ पे बहुत हो गया, अब वो हेवी क्वांटिटी में उसको सेल कर रहा है, यानी हेवी क्वांटिटी में उसका सप्लाई बढ़ा रहा है, तब क्या हो जाता है मार्केट में इसका ट्रेंड एक शिफ्ट हो जाता है, नहीं तब तक क्या होता है ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चलते रहता है। तो हमारा क्या है, ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, ये बात हमेशा याद रखो, ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, पर जब तक वो बेंड नहीं होता तब तक ही, मतलब क्या, ट्रेंड एक बार बेंड हो गया तो हमें उसमें से निकल जाना है। लाइक हमने यहाँ पे अगर 110 पे एंट्री लिए, 130 140 गए और देन मार्केट ऐसा बेंड होते होते दिख रहा है, तो हमें उसमें से एंट्री लेनी है, एग्जिट कर लेना है। तो ऐसे एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, वो तो हम सब मनी मैनेजमेंट के लेक्चर में पूरा सीखेंगे, कैसे हम हमारे पूरे जो ट्रेड्स होते हैं उनको जीरो लॉस ट्रेड बना सकते हैं, सीरियसली हम उसको जीरो लॉस तक ट्रेड को लेके आ सकते हैं। तो जो हमारे मनी मैनेजमेंट का लेक्चर है हमने उसमें पूरा डिटेल में इसको डिस्कशन किया है कि कैसे हमारा कोई भी ट्रेड को हम उसको जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उस ट्रेड में चाहे तो हम प्रॉफिट बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे पर उसमें लॉस नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हमें इसको बेसिक टर्म्स को सीखना पड़ेगा। तो अब ट्रेंड तो हमने सीख लिया, सेम होता है सेकंड चीज हमारी, चलो फर्स्ट ट्रेंड फर्स्ट थिंग हो गया हमारी अप ट्रेंड, सेकंड थिंग होती है हमारी क्या, डाउन ट्रेंड, सॉरी। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, चलो देखते हैं हम। अप ट्रेंड हमने देखा कि मार्केट की प्राइस अप हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, मार्केट की प्राइस ऊपर से नीचे आने लगती है, पर फिर से वही ऐसे सीधे धड़ाम से गिर जाती है क्या, नहीं, पहले नीचे आती है फिर थोड़ी सी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है फिर थोड़ी ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है फिर थोड़ी ऊपर जाती है। पे क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे जो न्यू बी ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो लोग नॉलेज के साथ नहीं आते ना वो यहाँ पे फंस जाते हैं, जो लोग सीधा आ जाते हैं डीमैट अकाउंट बना के ट्रेडिंग करने लग जाते हैं ना वो लोग ऐसे ट्रेंड्स पे फंस जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बता दो आपको, आप तो अभी सीख के जाओगे तो आप तो फंसोगे नहीं, मुझे पता है, जब आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तभी नहीं फंसोगे आप, नहीं तो आप भी फंस सकते हो। आपको क्या है, इतना बड़ा नॉलेज मिल रहा है तो आप उसको डिसिप्लिन के साथ यूज करो। तो सब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी शेयर की प्राइस थी 200 रुपए, मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आ गई कि यार ये कंपनी डूबने वाली या फिर ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल हो चुका है, तो लोग क्या करेंगे, इस कंपनी के शेयर्स को बेचना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको लगता है क्या कि आगे चल के इसकी प्राइस और ज्यादा मतलब कम हो जाएगी, तो कम प्राइस में बेचने से अच्छा अभी बेच दो। तो ऐसा हमारी साइकोलॉजी तो हो गई, पर ऐसी सभी लोगों की साइकोलॉजी, मोस्ट ऑफ द लोगों की क्या होती है, साइकोलॉजी बनते चली जाती है।
तो इससे क्या होता है कि लोग ज्यादा ज्यादा सेल करना पसंद करते और इसको लोग कम बाय करना पसंद करते सॉरी तो क्या हो जाता है, जब लोग ज्यादा सेल करेंगे लोग कम बाय करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कम होगी तो मतलब क्या हो गया, प्राइस अभी कम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, प्राइस 200 से लेके 190 तक आ जाती है। अब प्राइस 200 लेके क्या होता है, 190 तक आ जाती है। तो लोगों के क्या लगता है, अभी 200 से 190 मतलब थोड़ा कम हो रहा है। तो लोग क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर से या फिर जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि चलो यार इससे नीचे नहीं गिरेगा, वो क्या करते हैं, कम प्राइस में उसको बाय करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कम प्राइस में उसको बाय करते करते क्या होता है, डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है। डिमांड थोड़ी बढ़ गई तो क्या होता है, प्राइस थोड़ा ऊपर आ जाते हैं 192-193 के आसपास। देन फिर से क्या होता है, यहाँ पे तो सेलिंग का प्रेशर है। मैंने बोला था ट्रेंड मतलब क्या, लोग उसका एक ट्रेंड ही बना लेते हैं, लोग उसको ज्यादा पसंद करते वही चीज करना। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ पे लोग उसको पसंद करते सेल करना ज्यादा। तो थोड़ा सा भले थोड़े से डिमांड बढ़ गई थी कुछ टाइम के लिए, पर फिर से लोगों ने क्या किया, उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया और प्राइस नीचे आ गई, कहां तक, 180 तक। फिर से कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ बेवकूफ लोगों को लग रहा है कि अभी भी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। ठीक है, कभी कभी जा सकती है, और उसके पीछे तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ चलो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ तो भी है, यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगी ज्यादा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ बेवकूफ लोग यहाँ पे भी एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर करके क्या होता है, थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाती है, फिर से यहाँ तक क्या होता है 184-185 तक प्राइस चली जाती है। और वो लोग क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं मतलब क्या, फिर से सेलिंग का एक बार प्रेशर आ गया, यानी फिर से लोग ज्यादा क्या कर ले, मतलब सेल करना स्टार्ट कर देंगे या फिर कोई बिकवाली स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से फिर से प्राइस नीचे 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 आ जाएगी और यहाँ पे कहां तक चली आएगी, 170। तो ये कंटिन्यू कहां तक चलेगा, जब तक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हो जाता या फिर कोई सॉलिड हमारे पास एक नया प्लेयर नहीं आ जाता जो बड़ी क्वांटिटी में उसको बाय कर ले। यानी कि क्या, मार्केट में कोई अच्छी न्यूज नहीं आ जाती या फिर लोगों को लगता है चलो अब बहुत ज्यादा कम हो गई प्राइस, अब इसको खरीदी कर सकते हैं ताकि अब प्राइस बढ़ेगी। और जब लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी इस शेयर के बदले में, इस शेयर के बारे में, यार कभी अभी तक साइकोलॉजी क्या थी लोगों की इस शेयर के बारे में, अभी लोगों की मानसिकता क्या थी शेयर के बारे में कि इसको बेचो, ये शेयर अच्छा नहीं इसको बेचो। जब ये साइकोलॉजी लोगों की चेंज हो जाएगी, लोग उसको बोलेंगे यार नहीं अब अच्छा शेयर लग रहा है, अच्छे प्राइस में लग रहा है, मतलब इसकी जो जितनी वैल्यू है, मतलब जिसकी वैल्यू है वो उसको जस्टिफाई कर रही है, यानी उसकी सिंपल बात करें तो इसकी औकात जितनी है उतनी प्राइस उसकी आ गई है, अब चलो यहां से उसको बढ़ाते चलते हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट करते चलते हैं, तो तब तक ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही चलते रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पिछले अप ट्रेंड में क्या बन रहा था, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर हाई लोअर लो, सिंपल सी बात, लोअर हाई लोअर लो, उसका अपोजिट। तो यहाँ पे पहला लो बना, फिर थोड़ा सा हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना। अब इसके पीछे का लॉजिक पता है आपको, याद रखना है तो रखो, सॉरी मतलब इसके पीछे का लॉजिक तो आपको पता है, उसको तो याद रखना है, पर ये हायर हाई और हायर लो और लोअर हाई और लोअर लो इसको याद रखना है तो रखो, नहीं तो मत रखो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिक जहां पे आपके क्लियर होंगे वहां तक आप कुछ भी कर सकते हो, वहां पे आपको कुछ रटने की तो जरूरत नहीं है मेरे कोर्स में, यार इतना तो बता सकता हूं मैं, सब कुछ आपको एकदम मतलब समझ में तो आएगा, चाहे तो आपको दो बार देखना पड़ सकता है कभी, पर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि यार आपको नए होते या फिर मैं पढ़ाते टाइम कुछ ज्यादा डीप में पढ़ाने लग जाता हूं, तो आपको थोड़ा सा एक बार और उसको घुमा के देखना पड़ेगा, रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कुछ हार्ड कंसेप्ट नहीं है, बस आपको उसको फोकस के साथ देखना है, शांत दिमाग से देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। मार्केट में इसको जो भी मैं बताऊंगा, जो भी मैं आप इसके आगे के लेक्चर से जो भी स्टार्ट होगा हमारा लर्निंग, जो भी पूरा टेक्निकल एनालिसिस हमारा लर्निंग स्टार्ट होगा, वो इसके बाद के लेक्चर से हमारा स्टार्ट होगा, थर्ड लेक्चर से, जहां से हम क्या करेंगे कैंडलस्टिक के स्टडी को देखेंगे। और पूरा मार्केट, जिसको कैंडलस्टिक समझ में आ गई, जिसको कैंडलस्टिक पूरा समझ में आ गया, वो पूरा मार्केट जीत गया, मैं इसको गारंटी दे सकता हूं आपको। देन थर्ड थिंग होता है हमारा साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या, लाइक मार्केट ना ज्यादा ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, बस एक ही रेंज में घूमता रह रहा है। मतलब क्या, ये 100 रुपए हमारे प्राइस और ये समझो 120 तक, तो कभी प्राइस 100 रुपए से 120, 110, 130, 110, 130 यहां तक ही जाता, ज्यादा ज्यादा घूमते रहती है। तो ये कहा कब होता है हमारा, जब मार्केट में ज्यादा लोग खरीद या बिकवाली में इंटरेस्टेड नहीं होते, मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई टेंशन रहता है कि यार क्या करे क्या नहीं, तब ऐसे मार्केट रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज मार्केट हो सकता है। क्या होता है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ज्यादा लोग पैसे बना लेते हैं, फिर जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते वो ज्यादा बाइंग और सेलिंग करते नहीं, इसकी वजह से क्या होता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है। तो साइडवेज मार्केट में हम क्या ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह करेंगे नहीं, जब हम ट्रेंडिंग डे देखेंगे तो वो कैसे देखना है, हमें कैसे पहचानना कि ट्रेंडिंग डे या नहीं, वो आगे के लेक्चर में तो हम पूरा डिटेल में देखने ही वाले हैं। तो साइडवेज मार्केट क्या होता है, ना अप ट्रेंड होता है ना डाउन ट्रेंड होता है, बस एक ही रेंज में मार्केट घूमते रहता है, उसी प्राइस के आसपास मार्केट घूमते रहता है। तो वहां पे प्राइस अगर हमें
प्रॉफिट यहाँ पे कमाने हैं, तो यहाँ पे हम इंट्राडे में प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर स्कैल्पिंग कर करके छोटे छोटे मूवमेंट्स हम उसको कैच करके हम प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। इंट्राडे और स्कैल्पिंग में ऐसा होता है कि आप छोटे से मूव को पकड़ के अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको कोई ट्रेंड चाहिए होता है, लाइक अप ट्रेंड। इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए आपको, एक अप ट्रेंड चाहिए कि भाई 100 में खरीदा मैंने और 200 में जाके बेचा, इन्वेस्टिंग ऐसा होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने 100 रुपए में खरीदा, 101 102 में बेचा, पर आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज का आपको पिछली बार समझाया था, लाइक आपको 1000 रुपए की चीज 100 रुपए में बुक करने मिल जाती है, यानी कि आपके पास अगर 1000 रुपए होंगे तो आप उसमें 10 चीजें बुक कर सकते हो, 10 स्टॉक बुक कर सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, 2 रुपए पर स्टॉक के हिसाब से आप 20 रुपए का प्रॉफिट ऐसे ही बैठे बैठे अर्न कर सकते हो एक ही दिन में। सो ये होता है डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के फायदे। तो ये तो हमने तीनों टाइप के ट्रेंड्स अभी देख लिए, और ये किसमें इंक्लूड होते हैं, हमारे प्राइस एक्शन के थ्योरी में इंक्लूड होते हैं। तो इसको डिटेल में और कब होगा हमारा, जब हम कैंडलस्टिक को देखेंगे। कैंडलस्टिक आपको लग रहा हो कि यार बार बार कैंडलस्टिक क्यों बोल रहा है, पर आपको बता दूं जो हम चार्ट रीडिंग करेंगे, जो प्राइस एक्शन रीडिंग करेंगे, वो सब कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही करेंगे। जिसको कैंडलस्टिक समझ में आ गया वो मार्केट को कैसे भी रीड कर सकता है, मार्केट में आगे क्या होने वाला है, बायर और सेलर का क्या क्या हमारा इंटरेक्शन चल रहा है, कहाँ पे बायर ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर कम हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे बायर ज्यादा आ रहे हैं, सब उसको कैंडलस्टिक के स्टडी में हम पूरा कवर कर लेंगे बहुत ज्यादा इजी टर्म्स में। सो ये तो हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो हो गया, उसके पीछे हमने मार्केट में प्राइस कम बढ़ती है कैसे, ट्रेंड कैसे क्या होते हैं, उसके पीछे की भी लॉजिक देख लिए। तो अभी मेन हमारा जो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले, हमारा एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो एनालिसिस में हमारे जो टर्म्स यूज होंगे, कुछ होते हैं कीवर्ड्स होते हैं लाइक कभी टारगेट कभी स्टॉप लॉस, तो इनके पीछे के लॉजिक देखेंगे हम कि ये टर्म्स है क्या। जिन लोगों को पता है उनको तो पता होगा कि बहुत ज्यादा इजी टर्म्स होते हैं, थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिकल इन द सेंस जो फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है, ऐसे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्शन के। ओके, तो बस उनके लिए बता रहा हूं मैं जो लोग नए हैं इसमें। सबसे पहले हमारे टर्म होता है टारगेट, टारगेट आपको तो ऐसे नाम से पता चल चुका होगा। तो टारगेट मतलब क्या, सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आप कोई शेयर ले रहे हो, कोई भी शेयर अगर ले रहे हो, तो आपको एक टारगेट सेट होना चाहिए हमारे दिमाग में कि यार चलो मैं 100 रुपए में शेयर ले रहा हूं, अगर मैं 100 रुपए में ये शेयर ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट अगर 110 हो गई तब मैं इसको बेचूंगा। 100 रुपए में एक शेयर ले रहा हूं तो इसकी जब वैल्यू 110 होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको बेचूंगा। तो यहां पे हमारा टारगेट क्या हुआ, 110 रुपए हमारा क्या हुआ, टारगेट प्राइस हुआ। तो ये होती है टारगेट प्राइस, यानी कि कहां पे जाके हमको मार्केट को स्क्वायर ऑफ करना है, मतलब हमारे ट्रेड को कहां पे जाके स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ मतलब क्या, हमारे डील को खत्म करना है, हमारे अगर खरीदी किया होगा हमने तो उसको बेच देना है, या फिर हमने बेचा होगा पहले शॉर्ट सेलिंग की हुई है उसको हम खरीद लेंगे और पूरे ट्रांजेक्शन को सेटल कर देंगे, मतलब स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो टारगेट मतलब क्या, कौन सी प्राइस तक हमें जाना है, या आप चाहे तो लिख के ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, भले ही छोटे छोटे लग रहे हैं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। देन सेकेंड थिंग हमारा होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इस शब्द को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो स्टॉप और लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस को अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस मतलब क्या, स्टॉप और लॉस, यानी कि हमारे लॉस को एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट करना, यानी कि हमारा लॉस ज्यादा बढ़ने नहीं देना। आपको एक बात बताऊं तो अगर आप मार्केट में आते हो तो ये चीजें एक बार सबसे अच्छे से ध्यान रखना, मार्क करके रखो, यहाँ पे कहीं पे भी लिख के रखो। घर पे अगर ट्रेडिंग करने वाले हो तो घर पे एक चार्ट बनाओ या फिर एक चार्ट पेपर लो, उस पे चार चीजें लिख के रखो कि जब भी मैं मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा तो उसका आउटकम सिर्फ चार चीजों में ही आना चाहिए। क्या, एक तो बड़ा प्रॉफिट यानी बिग प्रॉफिट, दूसरा स्मॉल प्रॉफिट, तीसरा ब्रेक इवन, और चौथा जो होता है हमारा वो होता है स्मॉल लॉस। ये चार चीजों का आप गांठ मार के रखो। क्या, कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा, जब भी मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा तो उसका आउटकम जो होगा वो चार चीजों में आना चाहिए। एक तो बड़ा प्रॉफिट आना चाहिए हाथ में, या तो छोटा प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है छोटा प्रॉफिट आए तो कोई बड़ी मतलब नाराज होने की बात नहीं। ब्रेक इवन मतलब क्या, जितने में इन्वेस्ट किया था एंट्री प्राइस के आसपास हमने ब्रेक इवन में ले लिया, मतलब क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस चलेगा, वो भी चलेगा हमें, या फिर स्मॉल लॉस, स्मॉल लॉस भी हमें चल जाएगा। कभी भी हमें मार्केट में बड़ा लॉस करना नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मार्केट में लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस कितना करना है वो सब हमारे हाथ में होता है, कितना प्रॉफिट करना है वो हमारे हाथ में नहीं होता, पर कितना लॉस हो सकता है वो सब हमारे हाथ में होता है।
लाइक हमारे हाथ में रिस्क, पूरा हमारे हाथ में है कि कितना रिस्क हमें लेना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में आए पूरे पैसे डूब गए, अरे भाई तुम निकाल लो ना पैसे जब तुमको दिख रहे तुम्हारे पैसे डूब रहे। तुम ऐसे कैसे रख सकते हो कि यार चलो स्टॉक प्राइस गिर रहे गिर रहे गिर रहे और तुम उसमें रखे जा रहे हो कि भाई आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा कल बढ़ेगा, ऐसे नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में हमें फिक्स हमारा स्टॉप लॉस रखना होता है। तो इसलिए हम ये कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो आपको ये चार चीजें पहले लिख के रखो कि मार्केट में जब भी आउटकम आएगा हमारा कोई भी ट्रेड का, बस ये चार चीजों में से एक चीज आनी चाहिए। बड़ा प्रॉफिट आना चाहिए हाथ में, छोटा प्रॉफिट आना चाहिए कोई बात नहीं, ब्रेक इवन हुआ कोई बात नहीं, स्मॉल प्रॉफिट हुआ कोई, स्मॉल लॉस हुआ कोई बात नहीं, ठीक है स्मॉल लॉस हम बेयर कर सकते हैं, पर बड़ा लॉस हमें कभी लेना नहीं है, कभी भी लेना नहीं है। इसलिए हम हमेशा क्या रखेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे। आई होप आपने लिख के लिया होगा। तो क्या होता है स्टॉप लॉस, मतलब हमारी जो एंट्री प्राइस होती है किसी भी शेयर में, अगर हमने एंट्री की है, समझो हमें एक्स वाई जेड शेयर में हमने 100 रुपए में एंट्री की है, लाइक 100 रुपए पे वो शेयर था तब हमने उससे क्या किया खरीद लिया, तो हमने टारगेट सेट कर लिया 110 रुपए हमने टारगेट सेट कर लिया कि भाई चलो 10% हमें शेयर पे चाहिए, तो हमने क्या किया 110 का टारगेट सेट कर लिया कि चलो 110 हो गए तो हम उसको बेच देंगे, ठीक है प्रॉफिट में। पर कैसा हो सकता है कि हर बार तो 110 पे नहीं जाएगा, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, हमारा एनालिसिस भी गलत हो सकता है, तो भी हमसे भी कुछ चीजें छूट सकती है कि यार चलो ये तो चीज देखने रह गई थी इसकी वजह से प्राइस गिरने वाली थी। तो वो क्या होता है कि जब हम प्राइस गिरेगी हमारी जो अपोजिट में जाएगी तब हमारा लॉस होगा, क्योंकि हमने अगर 100 रुपए में प्राइस 100 रुपए में शेयर खरीदा है कोई भी चीज, तो उसका अगर 99 रुपए जाएगी 95 रुपए जाएगी तब क्या होगा हमारा लॉस होगा। तो उसको लॉस को कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है, वो होता है हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि एक प्राइस लेवल होती है जहां पे हम उसको क्या करेंगे उस शेयर को बेच देंगे उतने ही लॉस में। तो समझो अगर टारगेट हमारा 110 रुपए है, तो हम स्टॉप लॉस कितना रखेंगे 95 रुपए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड। टारगेट मतलब क्या, कहां तक हमें प्राइस जानी चाहिए जितने में हम प्रॉफिट बुक कर सके। स्टॉप लॉस मतलब क्या, हम कितना लॉस लेंगे उस हिसाब से हमें प्राइस लेवल सेट करते हैं कि बस इतने लेवल पे आ गए तो हम इसमें लॉस में एग्जिट कर लेंगे। तो ये जो इन दोनों का रिलेशन होता है वो क्या डिफाइन करता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या, अगर इन शब्दों को ही देखें, रिस्क मतलब क्या हमारा रिस्क कितना है, हमारा कितना नुकसान हो सकता है, रिवॉर्ड मतलब क्या हमारा प्रॉफिट। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, एक रेशियो होता है। रेशियो मतलब क्या, सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर हम 2 रुपए कमाना चाहते हैं तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि मार्केट को हम 1 रुपया देना भी, मतलब देने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा मार्केट हमें देगा, मार्केट हमसे लेगा भी, पर जब हम मार्केट को हम मार्केट को देंगे तो मार्केट को बस 1 ही रुपया देंगे, और जब मार्केट से लेंगे तो हम उसको डबल लेंगे, यानी कि 2 रुपए लेंगे। कभी भी कुछ भी हो जाए मार्केट से लेते वक्त हमें 2 रुपए लेने हैं, मार्केट को देने वक्त बस 1 ही रुपया देना है। तो इसको सिंपल भाषा में अगर और समझे तो रिस्क रिवॉर्ड का हमारा रेशियो हमेशा रहना चाहिए 1:2 मिनिमम। मिनिमम क्या रहना चाहिए हमारा, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। यानी कि अगर हम टारगेट रख रहे हैं समझो 100 रुपए में किसी भी शेयर में एंट्री कर रहे हैं, अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे एंट्री प्राइस, एंट्री अगर हमारी 100 रुपए है तो अगर हम इसमें एस्टिमेट करते हैं कि चलो मैं 10% का हमारा क्या लूंगा टारगेट लूंगा। नॉर्मल आप क्या कर सकते हो कि 10% शेयर प्राइस के 10% हमारा क्या रख सकते हो, एक टारगेट रख सकते हो, या फिर कोई जो आगे हम सिखाएंगे कि टारगेट कैसे सेट करना है या फिर कुछ भी कैसे सेट करना है वो आगे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, पर यहाँ पे हम नॉर्मल रखेंगे क्या चलो 10% का हम टारगेट लेंगे कि 10% प्रॉफिट करके हमें निकलना है कैपिटल पे। तो टारगेट कितना रहेगा हमारा, टारगेट रहेगा हमारा 110 मतलब कैसे, 100 रुपए के 10% कितने 10 रुपए, तो 10 रुपए हमें क्या चाहिए हमारे इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर चाहिए प्राइस। अब यार ये तो बहुत ज्यादा इजी मैथ्स हुआ और ये बहुत ज्यादा इजी टर्म है क्या, कि अगर हमें प्रॉफिट कभी भी बनाना है तो हमें कम प्राइस में खरीदी करके ज्यादा प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा प्राइस में खरीदी करके कम प्राइस में बेचेंगे तो उसमें लॉस होगा। तो टारगेट हमेशा कब कहां पे रहेगा, हमारे प्राइस के ऊपर रहेगा, यानी कि 100 रुपए में अगर खरीदी किया तो 110 रुपए हमारा टारगेट रहेगा। कैसे, क्योंकि हमें उस पर 10% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, टारगेट हमारा सेट हो गया। तो स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे आप, अब 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए हमें, 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए मतलब क्या, मार्केट से हमने क्या बोला था कभी भी जब लेंगे तो हम क्या करेंगे 2 रुपए लेंगे, जब देंगे मार्केट को लॉस के रूप में तो कितने देंगे 1 रुपया। यानी क्या होगा, जितना हमारा टारगेट रहेगा उससे हाफ क्या रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो टारगेट हमारा कितना था 10 रुपए का, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा 5 रुपए का, स्टॉप लॉस कितना रहेगा हमारा 5 रुपए का, यानी कि 5% शेयर के। तो 5% अगर इसमें से माइनस करें, टारगेट हम क्या करेंगे प्राइस में ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगी तब हमारा प्रॉफिट होगा, प्राइस जब घटेगी तब क्या होगा हमारा लॉस होगा। तो
तो जो स्टॉप लॉस होगा वो हम एंट्री प्राइस से माइनस करेंगे, तो ₹5 हम माइनस करेंगे। ₹5 क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट था ₹10, तो मार्केट को जब देने तो हम ₹2 देंगे, लेने तो ₹1 लेंगे, यानी क्या जितना हम लेने वाले मार्केट से प्रॉफिट उससे हाफ, उससे 50% उसका क्या रहेगा हमारा, 50% उसका रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे ₹5 इसमें माइनस कर देंगे हम ₹100 से, तो ₹95 क्या रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी अगर ₹95 तक आ जाता है स्टॉक तो हम उसको बेच देंगे, ₹5 के लॉस में हम उसको निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं रहेंगे पूरा पैसा फूकने में लग गए कि चलो अब हो जाएगा, 90 आ गया, 80 आ गया, फिर भी बेचने रहे, पैसा फूकना नहीं है हमें। यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं हम उतने लेंगे, ताकि क्या होगा हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहे। उसका भी हम क्या कर सकते हैं आपको एग्जांपल दूंगा मैं आगे। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें सीख ली, टारगेट सीख लिया, टारगेट मतलब क्या, हम कहाँ पे कौन सी प्राइस तक जाना चाहते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने टारगेट हमेशा चाहिए हमें प्रॉफिट बनाने के लिए। अब शॉर्ट सेलिंग में इसकी कंडीशन रिवर्स हो जाती है कि टारगेट हमेशा क्या रहता है हमारा नीचे रहता है, तो मैं आगे बताऊंगा। तो टारगेट हमारे नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, जब हम बाय करते शेयर, जब बाय करते तब क्या होता है टारगेट हमारी पोजीशन में अप होता है, प्राइस के ऊपर होता है, यानी कि ₹100 में खरीदी किया तो नियर अबाउट हमारा अगर 10% का टारगेट रहे, हम 10% हम दिन में रखे कि यार चलो 10% तो बनाना ही इस पे, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा शेयर प्राइस के 10% उस पे ऐड करके, यानी ₹100 में 10% ऐड किए तो ₹110, स्टॉप लॉस कितना रहेगा उसका हाफ, स्टॉक प्राइस मतलब सॉरी हमारे टारगेट प्राइस के हाफ रहेगा। तो टारगेट हमारा कितना था, ₹10 का टारगेट था, हमारी टारगेट प्राइस थी ₹110, तो उसका हाफ क्या रहेगा ₹5, जितना टारगेट था 10% का टारगेट था, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा 5% का, तो 5% हम इसमें से माइनस कर देंगे। अगर यार ये भी चीज आपको इतनी सिंपल समझ में नहीं आओगी तो आप थोड़ा सा यार अपने मैथ्स पे फोकस करो, और बहुत ज्यादा इजी चीज है, बहुत ज्यादा इजी चीज, सिंपल मैथ से अपना डिवाइडेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सक्रिप्शन, बहुत ज्यादा सिंपल। देन थर्ड थिंग हमने देखा रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या, हमारे क्या होना चाहिए टारगेट टू स्टॉप लॉस का, ठीक है, यानी कि हमारा रिस्क अगर ₹1 है तो रिवॉर्ड हमें हमेशा ₹2 मिलना चाहिए मार्केट में। इसके पीछे का लॉजिक भी हम देखेंगे क्यों ऐसा रखा हमने। तो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो हमारा मिनिमम रहना चाहिए क्या, कोई भी ट्रेड में मिनिमम रेशियो क्या रहना चाहिए, 1:2 का। अभी टारगेट सेटिंग वगैरह क्या होता है वो हम ट्रेड लेते वक्त तो पूरे आगे के लेक्चर में देखेंगे कि मार्केट में कैसे हम लाइव मार्केट में टारगेट सेटिंग कर सकते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, सब हम आगे लाइव मार्केट में देखेंगे। ओके, देन फोर्थ कंडीशन होती है हमारी विनिंग रेट। विनिंग रेट मतलब क्या, विनिंग रेट मतलब हम कितनी बार हमारा टारगेट अचीव करते हैं, हम कितनी बार हम जीत जाते हैं, हमारा जो एनालिसिस था वो कितनी बार हमारा हमें जीत दिलाता है। ओके, सो विनिंग रेट हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए, विनिंग रेट हमें हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या, सिंपल, अगर 10 ट्रेड ले रहे हो आप, अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से कितने टाइम में आप टारगेट को अचीव करते हो, यानी कितने टाइम आप प्रॉफिट बनाते हो और कितने टाइम आप लॉस बनाते हो, तो कितने टाइम प्रॉफिट बनाते हो उसको बोलते हैं हम विनिंग रेट हमारा। अगर 10 में से 7 बार अगर क्या करते हो आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपका विनिंग रेट कितना हो रहा है 70%। अगर 10 में से आप अगर 5 बार ही बना रहे हो प्रॉफिट तो उसका विनिंग रेट कितना हो गया 5%। अगर 10 में से 3 बार ही प्रॉफिट बना रहे हो तो उसका विनिंग रेट कितना हो गया 30%। सॉरी, सो 10 में से अगर हम कितने बना रहे तो उसका विनिंग रेट कितना 50%। 10 में से 60 ट्रेड भी बना रहे हैं प्रॉफिट तो उसमें 70% हमारा विनिंग रेट हुआ, और 10 में से 3 या 4 बार बना रहे तो 30-40% हमारा विनिंग रेट है। तो नॉर्मल विनिंग रेट जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए हमारा नियर अबाउट 50%। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ चुकी होगी कि मार्केट में हमेशा हमें प्रॉफिट मिलेगा नहीं, हम मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं करेंगे। आपको 10 में से कोई भी 5 ट्रेड में प्रॉफिट करना है, आपको प्रॉफिट मार्केट में प्रॉफिट बनाना है या फिर मार्केट में पैसे अर्न करने, तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, 10 में से कोई भी 5 बार प्रॉफिट बना चुके आप, 10 में से कोई भी 5 ट्रेड में प्रॉफिट बनाए तो आप नियर अबाउट हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। उसका एग्जांपल देखते हैं हम कैसे। आप बोलेंगे यार कैसे 5 ट्रेड में लॉस है 5 ट्रेड में प्रॉफिट है, तो इसमें मतलब हम प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं, तो चलो इसको लाइव एग्जांपल देखते हैं, एक कैलकुलेशन देखते हैं सिंपल। एक लाइन है, ठीक है, हर एक लाइन मतलब क्या, एक ट्रेड दिखा रही है, मैं इस पे हर एक जो लाइन बनाऊंगा, यानी कि ये एक ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा, ये पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये हमारे 10 ट्रेड हो गए, ये हमने 10 ट्रेड लिए, ऐसे अज्यूम करते हैं। एंट्री प्राइस हमेशा हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं। एंट्री प्राइस क्या थी हमारी, ₹100 रखते, चलो ₹100, यहाँ पे भी ₹100 थी, 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 यहाँ पे भी ₹100, यहाँ पे भी ₹100, यहाँ पे भी ₹100, ठीक है।
एंट्री प्राइस हमेशा सेम रहेगी। यहाँ पे हमने बस अज्यूम किया एग्जांपल देखने के लिए, एंट्री प्राइस हमेशा तुम्हारी सेम नहीं रहेगी, बस हमारा क्या सेम रहेगा, टारगेट का परसेंटेज, रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो और विनिंग रेट हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा जिसमें हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब सब अगर हर बार विनिंग रेट ही मतलब विनिंग रेट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए या फिर टारगेट रहना चाहिए हमारा कॉन्स्टेंट या फिर हमारी एंट्री प्राइस कॉन्स्टेंट, ऐसे नहीं होता। हमेशा हम अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग शेयर में ट्रेड करेंगे तो क्या होता है, अलग अलग हमारी टारगेट बन सकता है, अलग अलग हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड कभी 1:2 रह सकता है, 1:3 भी बन सकता है, पर मिनिमम कितना चाहिए हमें 1:2 और विनिंग रेट मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 50%। तो इस मिनिमम के चक्कर में हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं वही देखेंगे, मैक्सिमम तो बना सकते हो आप। तो इसमें टारगेट रखेंगे हम क्या, रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना रहेगा इसमें, पहले बताता हूं रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है हमारा 1:2, यानी कि टारगेट अगर हमारा 2 रुपए होगा तो रिस्क हमारा होगा 1 ही रुपया बस, ठीक है, उसमें हम निकल जाएंगे, ज्यादा कुछ ज्यादा लेंगे नहीं लोड, कि टारगेट से अगर ऊपर भी प्राइस चली गई तो हमने रोक लिया, टारगेट से नीचे स्टॉप लॉस से नीचे प्राइस आ गई तो हमने रोक लिया, ऐसा कुछ देखेंगे। नॉर्मल कंडीशन देखेंगे कि यार 1:2 पे हमने निकाल लिया, लाइक 1 स्टॉप लॉस पे भी निकाल लिया और टारगेट पे भी निकाल लिया, ठीक है, और विनिंग रेट जो रहेगा हमारा, विनिंग रेट रहेगा हमारा नॉर्मल मिनिमम रहेगा 50%। तो चलो टारगेट हम सेट करते हैं, यहाँ पे हर ट्रेड में हम 10% का टारगेट लेंगे, एक अज्यूम करते हैं कि हम हर ट्रेड में 10% का टारगेट हम अचीव करने वाले हैं, और स्टॉप लॉस जो लेंगे 10% का अगर टारगेट है तो विनिंग हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, तो इसलिए स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा 5%, उसके हाफ, सिंपल। तो इसके टारगेट जो रहेगा, टी मतलब टारगेट, तो टारगेट कितना रहेगा इसके 10% इसमें ऐड कर देंगे तो 110 ये रहेगा हमारा टारगेट, क्यों, 100 रुपए के 10% होते हैं 10 रुपए, तो हमारा टारगेट प्राइस क्या रहेगा, 100 + 10 रुपए 110 रुपए, ठीक है, तो यहाँ पे भी 110 रुपए टारगेट, यहाँ पे भी 110 रुपए, यहाँ पे भी 110 रुपए, सॉरी यहाँ पे भी 110, यहाँ पे भी 110, यहाँ पे भी 110, तो ये सब जगह हम क्या करेंगे 110 रुपए हमारा क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे। तो स्टॉप लॉस भी तो रखना पड़ेगा हमें, SL हमारा SL कितना रहेगा 95 रुपीज, अब फिर से मत पूछना यार SL कितना 95 कैसे आया, अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था वही उसको रिपीट कर रहे हैं। हमारे टारगेट प्राइस के हाफ प्राइस क्या रखेंगे हम, सॉरी हाफ क्या रखेंगे, जो हमारे टारगेट रहेगा उसका हाफ क्या रहेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा था 10 पॉइंट्स का, तो उसके हाफ 5 पॉइंट हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पे 95, ठीक है, ये 5 या मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है। तो चलो इसमें से कोई भी 5 ट्रेड हमने क्या देखा था, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो हमारा सेट हो गया, चलो रिस्क रिवॉर्ड तो हमारा सेट हो गया, विनिंग रेट क्या था हमारा, 10 में से हमारे कितने ट्रेड सक्सेसफुल होते, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम 5 ही ट्रेड सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि हमारा विनिंग रेट था 50%, फिर भी हम प्रॉफिटेबल कैसे रहते वो बताता हूं मैं तुम्हें। कोई भी 5 ट्रेड लेते सिलेक्ट करते हैं जिसमें मैंने राइट टिक किया तो हमारे सक्सेसफुल हुए, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें राइट टिक किया है वो हमारे ट्रेड, उसमें क्या हुआ, हमारा टारगेट प्राइस हिट हुआ, और बाकी जो पूरे मतलब जो बचे हुए ट्रेड है उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी उसमें लॉस हुआ। जो 5 ट्रेड जहां पे हमने टिक किया वहां पे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट बना है, हमारा टारगेट अचीव हुआ है, और जो पूरे जो हमारे जहां पे टिक नहीं किया वहां पे क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ है, वहां पे क्या हुआ, हमने स्टॉप लॉस हिट किया है। तो चलो वहां पे देखते प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता है, तो यहाँ पे टिक है क्या, नहीं, तो यहाँ पे लॉस हुआ, मतलब 100 - 95 5 रुपए का हमारा लॉस हुआ, ब्रैकेट में लिखते हैं हम लॉस लिखते हैं ब्रैकेट में, चलो ठीक है, यहाँ पे भी हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे भी 5 रुपए हमारा लॉस हुआ, यहाँ पे टिक है, तो यहाँ पे हमने टारगेट अचीव किया, मतलब क्या, 10 रुपए का जो टारगेट था हमने प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे नॉर्मल लिखते हैं हम इसको, यहाँ पे भी लॉस हुआ तो यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको 5 रुपए लिखते हैं नॉर्मल लॉस में, उसमें भी प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे 10 रुपए, इसमें लॉस हुआ यहाँ तक 5 रुपए, इसमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 10 रुपए, ये ट्रेड में प्रॉफिट हुआ यहाँ पे भी 10 रुपए, ये ट्रेड में प्रॉफिट हुआ यहाँ पे भी 10 रुपए, और ये ट्रेड में लॉस हुआ तो यहाँ पे 5 रुपए का लॉस। क्या बोला था मैंने, बड़ा प्रॉफिट लेना है या तो छोटा प्रॉफिट लेना है या फिर ब्रेक इवन लेना है या फिर छोटा लॉस लेना है। यहाँ पे हमने क्या लिए, छोटे छोटे लॉस लिए, प्रॉफिट उससे बड़े लिए, ठीक है, नॉर्मल हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, 10 में से 5 ही ट्रेड हमने क्या किया, सक्सेसफुल किए। तो अगर हम देखेंगे तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है हमारा वो हुआ है 50 रुपए, यानी कि ये 10, ये 10, ये 10, ये 10-10 रुपए मिला के, 5-10 मिला के हम क्या किए, 50 रुपए प्रॉफिट बनाया, और 5 जो जगह पे हमने लॉस किया था वहां पे हमने क्या किया, 25 रुपए का लॉस किया था, तो अल्टीमेटली हमने 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया। आसान है, विनिंग रेट भी देखा हमने, स्टॉप लॉस भी देखा, टारगेट भी देखा, रिस्क रिवॉर्ड भी देखा, 4 चीजों को मिला दिया, मनी मैनेजमेंट कर लिया,
हमने क्या किया, अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाया। कितने ट्रेड्स में, 10 में से 5 ट्रेड लॉस करके भी हमने अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाया। और ये तो हमने अज्यूम किया था कि चलो 110 तक ही हमने होल्ड किया। ये भी हो सकता है कि कोई भी ट्रेड में शेयर की प्राइस 120 से 130 तक चली गई, तो एक ही ट्रेड में पूरा हमारा लॉस निकल गया पांचों ट्रेड का। ये होता है मार्केट में साइकोलॉजी। तो जो लोग बोलते हैं इसको गैम्बलिंग है, जो लोग उसको बोलते हैं गैम्बलिंग है, जो बोलते हैं अरे सट्टा है, सट्टाबाजी है, सट्टाबाजी नहीं है भाई, ये पूरा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। यहाँ पे पूरी प्रोबेबिलिटी चलती है, तो इसमें बस हमें डिसिप्लिन के साथ चलना है। तो ये मैंने पूरा आपको विनिंग रेट समझाया, रिस्क रिवॉर्ड समझाया, टारगेट समझाया, स्टॉप लॉस समझाया, एंट्री प्राइस तो पता है आपको जहां पे एंट्री करनी है, और ये कहां पे करनी है, कब करनी है, कैसे टारगेट सेट करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है हमें, कितने विनिंग रेट रखनी है इसमें। तो ये सब हमारे क्या होगा, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम, कि कौन सी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, किसकी विनिंग रेट कितनी है। हमारे विनिंग रेट यहाँ पे जो होते हैं लाइव मार्केट में दिखाऊंगा आपको कि 10 में से 7-8% टाइम तो हम क्या कर सकते हैं, विनिंग रेट बना सकते हैं उसको, और बाकी जो बचे हुए टाइम है वहां पे भी हम कुछ कुछ ट्रेड को नो लॉस ट्रेड बना सकते हैं। यानी यहाँ पे 50% था, पर हम उसको एक्यूरेसी, हमारे विनिंग रेट को हम 90% के आसपास तक लेके जा सकते हैं, अगर आप अगले लेक्चर को पूरे डीपली देखोगे, यानी कि पूरे ध्यान से देखोगे, और इसको भी लॉजिक को आप याद रखोगे, क्योंकि ये लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारे पहले चार बेसिक टर्म्स। इसके बाद थोड़े से और बेसिक टर्म बताता हूं, पर उसका रिलेवेंस मतलब क्या है कि बस क्या करने वाले उसकी उसी तक है। ये जो थे चार टर्म्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे। तो देन फिफ्थ टर्म थे हमारी लॉन्ग पोजिशन। जिसको वो समझ में नहीं आया होगा रिस्क रिवॉर्ड वाला, वो फिर से देखो, इसके बिना आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर एक बिजनेस है। ओके, देन लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, जब हम शेयर को बाय करते हैं, नॉर्मल जो पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन मतलब क्या, एक ट्रेड, यहाँ पे हम मार्केट में उसको बोलते हैं पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है। तो मार्केट में जब भी लोग बाय करते हैं शेयर को पहले, तो वो बोलते हैं हम उसको लॉन्ग पोजीशन बनाई हमने। तो लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, कोई भी इंसान 100 रुपए में शेयर बाय करता है, उसका टारगेट वो रखता है प्राइस के ऊपर, क्यों, क्योंकि उसने बाय किया है तो उसको क्या करना है कि उसको हाई प्राइस में बेचना है। तो पहले उसने बाय किया कम प्राइस में, तो उसको क्या करना है, हाई प्राइस में बेचना है। तो वो 110 या 120 का टारगेट रखेगा अपने हिसाब से, और स्टॉप लॉस क्या रखेगा, उसकी प्राइस के नीचे रखेगा, क्यों, क्योंकि उसने पहले बाय किया है, परचेस प्राइस क्या थी उसकी, परचेस प्राइस क्या थी उसकी, कम थी, उसको प्रॉफिट बनाना है तो हाई प्राइस में बनाना पड़ेगा। जब उसकी बाइंग कॉस्ट हाई हो जाएगी और सेलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, तो वो लॉस करेगा। तो सेलिंग प्राइस अगर नीचे रहेगी तो वो क्या करेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेगा, यानी कि ये टारगेट हो गया और ये एसएल हो गया। ये नॉर्मल कंडीशन है लॉन्ग पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन मतलब क्या, जब हम शेयर को पहले बाय करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। इसका रिवर्स होता है मार्केट में कभी कभी, जब डाउन ट्रेंड होता है, आप बोलेंगे जब डाउन ट्रेंड होगा तो क्या करेंगे हम, तो वहां पे भी प्रॉफिट बना सकते हैं हम। ऐसा नहीं होता कि जब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तभी प्रॉफिट बनेगा, मार्केट दोनों साइड बनता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तब भी प्रॉफिट बनता है, जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तब भी प्रॉफिट बनता है, और जब मार्केट नीचे जाता है ना तब सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है, तब सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है। आप बोलोगे बेवकूफ आदमी हो क्या, मार्केट नीचे जा रहा है कैसे प्रॉफिट बनेगा, तो इसे कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, हर्षद मेहता का स्कैम देखा होगा जिन्होंने, उनको पता होगा शॉर्ट सेलिंग भी होता है कुछ। शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड एक अपने लेक्चर में एक पार्ट बनाया है कि शॉर्ट सेलिंग कैसे होता है और क्या होता है। यहाँ पर उसमें आपको एक क्या बताऊंगा, उसका एक शॉर्ट पोजीशन के बारे में बताऊंगा। पहली थी हमारी लॉन्ग पोजीशन, ये होती है दूसरी शॉर्ट पोजीशन। तो सिक्स टर्म थी हमारी क्या, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को बेच देते हैं, पहले उसको बेच देते हैं जबकि हमारे पास होता भी नहीं है, और देन उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं बाद में कम प्राइस में। प्रॉफिट बनाने का सिंपल तरीका क्या है, कम प्राइस पे खरीदी करो, ज्यादा प्राइस पे उसको बेचो। तो आप उसमें मार्केट नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल इसमें क्या होता है मार्केट में, कि पहले हमारे पास कोई चीज होनी चाहिए, यानी कि पहले उसको हम खरीदते हैं फिर उसको बेच सकते हैं। मार्केट में ऐसा नहीं होता, मार्केट में सीधा आप पहले उसको बेच भी सकते हो बाद में उसको खरीद सकते हो, बस ये होता है इंट्राडे में। अगर आप उसको स्टॉक में करोगे तो ये इंट्राडे में होगा, अगर आप ऑप्शंस में करोगे तो ऑप्शंस में क्या होता है, आप उसको पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हो। ऑप्शंस के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर जो बनाए हैं 2-3, तो वो बहुत ज्यादा डीपली बनाए, उसमें भी अच्छे अच्छे खासी स्ट्रेटजी सिखाई हमने, जिससे आप अपने कोर्स की जो कोर्स की कॉस्ट पे कर चुके आप उसको एक ही दिन में रिकवर कर सकते हो पूरा। मतलब हमारा कोर्स जो है, जो जर्नी टू स्टॉक मार्केट कोर्स है, वो टेक्निकली आपके लिए फ्री हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ आपको, टेक्निकली ये फ्री कोर्स मिल रहा है आपको, इतना बड़ा नॉलेज। तो स्टॉक शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, आप किसी भी 100 रुपए में अगर बेचोगे, किसी भी स्टॉक को 100 रुपए में बेच दोगे, यानी पहले 100 रुपए में सेल करोगे और देन बाद में उसको 90 रुपीज या उसके प्राइस के उसको बाय करोगे, तब वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बनेगा। तो लॉन्ग पोजीशन में क्या होता है, जब आप उसको
कम प्राइस में, मतलब पहले बाय करते हो और ज्यादा प्राइस में बेचते हो, तब होती है लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है, मार्केट में आप उसको पहले सेल कर देते हो ज्यादा प्राइस में और बाद में कम प्राइस में बेचते हो, सॉरी खरीदते हो। तो इसके आप कब लॉन्ग पोजीशन बनानी, कब शॉर्ट पोजीशन बनानी है, वो तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बाद ही बता सकते हैं कि यार चलो आप मार्केट नीचे गिरेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। तो ये होता है क्या हमारा शॉर्ट पोजीशन। तो शॉर्ट पोजीशन के बाद आपको अगर सिंपली अगर नॉर्मल मार्केट का एक अगर एग्जांपल दूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा शॉर्ट पोजीशन कैसे कर सकते हैं, लाइक हमारे पास तो कोई वस्तु है ही नहीं तो हम उसको कैसे बेच सकते हैं, तो बताता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, चलो फिर से एक आटे की बोरी का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं आटे की बोरी में एक डीलर हूँ, आटे की बोरी का मैं डीलर डील करता हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, कस्टमर आया और उसने बोला कि यार मुझे एक आटे की बोरी चाहिए, पर मेरे पास अभी नहीं है आटे की बोरी, अभी मेरे पास आटे की बोरी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ चलो ठीक है, और मुझे क्या पता है कि यार शाम तक क्या होने वाला है, मार्केट में कोई बड़ा वाला ट्रक आने वाला है आटे की बोरियों का, तो सबके पास आटे की बोरियां मिलेगी। अभी तो लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास आटे की बोरियां नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई कम हो गया। शाम को मुझे पता है कि ज्यादा आटे की बोरियां आने वाली है, तो ये कम प्राइस में भी ले सकते हैं लोग। तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा एक काम कर, मैं तुझे शाम को देता हूँ, पर मैं तुझे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलिंग का वो अभी हम बना लेते हैं। तो क्या बोलता है वो, ठीक है हमारे आपकी प्राइस बताओ। तो मैं बोलता हूँ चलो 1000 रुपए में एक आटे की बोरी। तो मुझे क्या करता है, अपने 1000 रुपए दे देता है, पर मैं उसको बोलता हूँ क्या शाम को क्या करना, उस आटे की बोरी को लेके जाना मेरे पास से, ठीक है। तो मुझे पता है कि अभी 1000 रुपए तो मेरे पास आ गए, शाम तक क्या होगा आटे की बोरियां ज्यादा आ जाएगी, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कम में खरीद सकता हूँ फिर से। अभी मैंने हमारे बायर को आटे की बोरी दी है क्या, नहीं, बस हमने क्या किया सेल का एग्रीमेंट कर लिया, पर मुझे एक ऑब्लिगेशन है, मतलब मुझे क्या करना है, आज के दिन खत्म होने से पहले उसको आटे की बोरी देनी है, चाहे मुझे 1000 की 1100 में मिले या फिर 1200 में मिले, मैं तो 1000 रुपए ले चुका उसको, तो मैं उसको 1000 रुपए में एक आटे की बोरी देना मतलब मेरा ऑब्लिगेशन है, फिर मैं चाहे बाहर कितने में भी खरीदूं। तो अगर शाम को अगर ट्रक नहीं आता है आटे की बोरियों का, और अगर आटे की बोरियां और ज्यादा महंगी हो जाती है, तो मुझे उसे कहीं से भी खरीद के लाकर उसको देनी पड़ेगी मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने के लिए, ओके। मार्केट में भी ऐसा ही होता है, तो अगर मार्केट में शाम को आटे की बोरी आ गई और मैं उसको 900 रुपए में खरीद के, मतलब मैं उसको क्या करूंगा फिर 900 रुपए में खरीद के लाऊंगा, क्योंकि तब क्या होगा प्राइस थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा आटे की बोरियां मार्केट में आ गई। तो क्या होता है, मैंने 1000 रुपए उससे लिए और मैंने खरीदी कितने में की, सिर्फ 900 रुपए में, तो जो बचा 100 रुपए वो हमने क्या किया प्रॉफिट बना लिया, और शाम में क्या किया हमने उसको आटे की बोरी दे दी। यानी क्या हुआ ट्रांजेक्शन में, जब हमारे आटे की बोरी पास में भी नहीं थी तो हमने उसको सेल भी कर दिया था। तो शॉर्ट सेल में क्या होता है, सेल का बस एक एग्रीमेंट बनता है और ट्रांजेक्शन एक कंप्लीट करने के लिए उसको हम उसको सेटल करना पड़ता है, जैसे कि हमने आटे की बोरी के केस में किया। अगर उस आटे की बोरी के केस में जैसे मैंने 900 रुपए में खरीदी, क्यों, क्योंकि उसके ट्रक आ चुका था, बड़ा वाला ट्रक आ चुका था और उसमें आटे की बोरियों का क्या किया, उसने सप्लाई बढ़ा दिया। अगर वो ट्रक नहीं आता और अगर किसी दूसरे के पास आटे की बोरी होती तो वो क्या करता, मुझे 1200 या 1300 में बेचता, क्यों, क्योंकि मार्केट में अभी डिमांड ज्यादा है और मुझे कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना है, तो इसमें क्या हो जाता, मेरा नुकसान हो जाता। तो शॉर्ट सेलिंग ऐसे वर्क करता है, अगर हमने क्या किया एक बार बेच दिया तो उसको सेटल तो करना ही है, फिर चाहे हम कम प्राइस में करें या ज्यादा प्राइस में उसको खरीदी करके सेटल करें। तो अगर कम प्राइस में खरीदी करके सेटल कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा प्राइस में खरीदी करके सेटल करके तो लॉस होगा। सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक को हमने 100 रुपए में बेच दिया तो अगर 90 रुपए में अगर मिलेगा हमें तो हम क्या कर सकते, उसको प्रॉफिट बना सकते हैं, पर अगर उस स्टॉक की प्राइस अगर बढ़ गई तो हमको उसको खरीदी तो करना पड़ेगा, हमको उसको ट्रांजेक्शन को सेटल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोई भी कंडीशन में उसको ट्रांजेक्शन सेटल करना पड़ेगा हमारे डेट के, मतलब हमारे उसमें ड्यू डेट के आसपास, ड्यूडर मतलब हमारे डेडलाइन के आसपास, सॉरी। तो ये होता है हमारा शॉर्ट सेलिंग। टेंशन में भी डीपली मैंने उसका आगे कोर्स बनाया, मतलब सॉरी आगे उसमें लेक्चर में उसको बताया मैंने कि कैसे शॉर्ट सेलिंग वर्क करता है रियल मार्केट में। तो ये थे हमारे कुछ सेकंड लेक्चर में, हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, हमने प्राइस एक्शन के बारे में सीखा, मार्केट की लैंग्वेज के बारे में सीखा। अब जो यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा आगे, वहां पे हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाता है, कैसे हम न्यू स्ट्रैटेजी को फॉर्म करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी को मार्केट में अप्लाई करते हैं, कैसे हम हमारा मनी को मैनेज करते हैं, हमारे कम कैसे लॉस को हम कम करते हैं या फिर जीरो लॉस ट्रेड में हम खेल सकते हैं, और कैसे हम ऑप्शंस में बाइंग और सेलिंग करके हमारा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ये सब हमने अभी नेक्स्ट कोर्स है, हमारे थर्ड लेक्चर से हमारा पूरा स्टार्ट होगा, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। तो आई होप आपको अब तक का लेक्चर पूरा समझ में आ चुका होगा। सेकंड लेक्चर जो है हमारा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग मार्केट में नए हैं, जो लोग मार्केट को पहले से जानते हैं, जिनको ये सब कंसेप्ट पता है, वो हमारा थर्ड लेक्चर से उनको और ज्यादा इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो लोग नहीं जानते उनको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो पूरे टर्म्स है या फिर ये पूरे जो कंसेप्ट है, मैंने बार बार उसको सिखाया है, जब मैं उसको कंसेप्ट को यूज करूंगा तब तक मैंने उसका रेफरेंस दिया है, सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबको ये समझ में आ जाएगा, इतना ईजी कोर्स मैंने बनाया। और स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे आप,
अब यहां से जो भी मैं सिखाऊंगा उसको आप डेली उसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे, अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां भी हो सके वहां पे आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।